पंचायत आमजरा, सरपंच वसुदेवी मीणा, पंचायत समिति बीछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर राजस्थान की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी से। यूं तो आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन पुरकाजी में 1857 की क्रांति में शहीद हुए क्रांतिकारियों को सूली वाले बाग में कस्बे के अंदर तिरंगा यात्रा निकालकर श्रद्धांजलि दी गई और शासन प्रशासन को पुरकाजी चेयरमैन एडवोकेट जहीर फारूकी द्वारा पहले से ही अल्टीमेटम दिया था कि सूली वाले बाग में शहीद स्थल व स्मारक बनाया जाए। चेयरमैन ने जिलाधिकारी को चेताया था कि अगर हमारी मांगे पूरी न की गई तो 50 से ज़्यादा लोग फांसी के फंदे पर लटक कर जिलाधिकारी महोदय को रस्सा खींचने के लिए कहेंगे। चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा कि मुझे अपने पद की परवाह नहीं, मुझे पद से हटाया जाए या इस्तीफा देना पड़े, पर शहीदों की शहादत को याद रखते हुए शहीद स्थल व स्मारक को मंजूरी दी जाए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत, पुरकाजी चेयरमैन एडवोकेट जहीर फारूकी व कस्बे के तमाम कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो जावेद आलम के साथ कैमरामैन सतीश गिरी। देखो, यहाँ पे 3 साल हो गए सूली वाले बाग में यहाँ पे झंडा फहराते, यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन करवाई ये यहाँ के चेयरमैन जहीर फारूकी ने यहाँ पर करवाई। प्रशासन का जो काम था, प्रशासन अपने काम से हट रहा है। आज यहाँ पे जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, उनको किस तरह से यहाँ पर मना, लोग यहाँ पे करीब 52 लोगों ने कि हम यहाँ पे फांसी लगाएंगे, शहादत देंगे, उनको हटाया है और ये कहा गया था काम करो। देखो, प्रशासन को एक तो ये डिमार्केशन करके उसको सही करना पड़ेगा और नहीं तो ये आंदोलन उसको झेलना पड़ेगा। हमारी गिरफ्तारी करें, हमको जेल में बंद करें। कोई ये बेवकूफ थोड़ा है कि साल में दो आते हैं, साल में दो बार प्रशासन झूठ बोल कर चला जाता है, तो ये नहीं होगा। आज आ रहे हैं, इसका डिमार्केशन करें, इसके क्या कह रहे हैं कागज पत्र ये है वो यहाँ पर जाकर दिखाएं। नहीं तो एक यहाँ से जो आम जनता है यहाँ से जाएगी, ये पूरा क्षेत्र का और मुजफ्फरनगर का सम्मान का एक मामला चुनाव है। ये करीब 3 साल से ये डिमांड हमारी है। कितना पुराना है ये? तो 162 साल पुराना है। और यहाँ वे परिवार भी हैं जिनको यहाँ पर शहादत दी गई, करीब 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फांसी पर लगाए गए, जो सोने थी उस पर लटकाए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ की जो तोप थी वे DM और मुजफ्फरनगर SSP के वहाँ पर रखी हुई है, अभी और तोप भी अंदर जंगलों में पड़ी हुई है। हम जैसे ही गन्ना ख़त्म हो जाएगा, कटाई हो जाएगी, तो तोप वहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पर एक वे जो स्मारक है, जब ये डिक्लेयर कर देंगे तो उस पर सब लोग काम करेंगे, सभी क्षेत्र के लोग, उनकी पूरी लिस्टेड होगी जिन लोगों ने यहाँ शामिल की है। तो एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे करना चाहते हैं, ये हमारे डिमांड है सरकार से। नहीं मानते तो आंदोलन होगा। ये क्रांति यात्रा, अभी तो किसान क्रांति यात्रा देखिए, अब शहीद क्रांति यात्रा भी देखेंगे भाई। शहीद स्थल से अपने DM के वहीं होगी, अब लंबी नहीं जानेगी, DM के वहाँ तक ही होगी। कब तक पूरा होगा सर? एक तरफ तो सरकार कहती है कि अपने इलाके में शहीद पार्क बनाए, दूसरी तरफ सरकार के ही जो अधिकारी हैं ये उन भावनाओं को जूते के नीचे रगड़ देते हैं, जहाँ से शहादत की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पुरकाजी के अंदर ये सूली वाला बाग है, इसका इतिहास है कि 1857 में यहाँ पर करीब 417 लोगों को शहीद किया गया था और इतिहास की किताब मुजफ्फरनगर दर्शन में इसका पूरा ब्यौरा दर्ज है। लगभग 74 लोगों के नाम तक दर्ज हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन जनता की जनभावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है। लगातार 3 साल से भारतीय किसान यूनियन हज़ारों लोगों के साथ यहाँ ध्वजारोहण यात्रा निकालती है, ध्वजारोहण करती है और इस जगह को शहीद स्थल बनाने की मांग करती है। मेरा मुजफ्फरनगर प्रशासन से और शासन और सरकार से निवेदन है कि जिस तरह मुजफ्फरनगर के अंदर झांसी की रानी जी की मूर्ति लगाई गई है, भगत सिंह रोड का नाम रखा गया है, महावीर चौक में महावीर चौक का नाम रखा गया है, तो क्या वो महानुभाव वहाँ आए थे? क्या झांसी की रानी मुजफ्फरनगर आई थी? लेकिन उन लोगों के नाम पे मूर्तियाँ इसलिए लगवाई गई चौराहों पर ताकि हम जंग आज़ादी के जिन लोगों ने अपनी जान दी हो उन्हें ना भूलें, अपने देश के महानुभाव को भी हमेशा याद रखें। तो जब इस तरह की भावना हमेशा से रही है तो पुरकाजी के सूली वाला बाग के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यहाँ तो जलियांवाला बाग से पहले की क्रांति जुड़ी हुई है, यहाँ तो 1857 में सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है,
नगर पंचायत प्रस्ताव पास कर चुकी है। ये जो तालाब है रख रखाव के लिए पहुँच रहे हैं, नगर पंचायत मुद्रा जी को दे रखा है। तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा अंग्रेजी मानसिकता का अधिकारी कुर्सी में मौजूद है? बनाने का उद्देश्य ये था कि हम कह रहे हैं कि 1857 में आज सैकड़ों लोग शहीद हुए, उस शहादत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोगों का योगदान था, लेकिन फिर भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन के एक बेकार अधिकारी ने ये बात कही कि 1857 की वीडियो या फोटो कहाँ से लाए, तो हम ना तो 1857 की फोटो ला सकते ना वीडियो ला सकते। हाँ, हमने 1857 का रीमेक तैयार करा, इसी तरह सूली बनाई गई, इसी तरह फंदे लटकाए गए, और हर फंदे के अंदर एक फंदे में हिंदू भाई, एक में मुस्लिम भाई, एक में सिख भाई, एक में ईसाई भाई, चारों फंदे के अंदर चारों समाज के लोग उन्हीं का कंधा के खड़े हुए। और हमने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि आओ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि यहाँ इस तरह से फांसी में लोग झूले हैं, तो इस फंदे की रस्सी खींच दो, अपने सामने देख लो किस तरह लोग शहीद होते थे, कितनी देर में उनकी जान निकलती थी, कितनी गर्दन लंबी होती थी, जब जाके शायद इन लोगों को यकीन आ जाए। अब क्या प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन लगातार टालने के मूड में है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो आदेश है वो सर्वमान्य है। पुरका जी की जनता यहाँ गिरफ्तारी देगी, यहाँ मौजूद है, चाहे हाईवे पे गिरफ्तारी ले लो, चाहे यहाँ ले लो, जब तक सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित नहीं किया जाएगा हम लोग मानने वाले हैं। इतनी बड़ी के सम्मान में हर वो आदमी जिसके गले में फंदा तैयार है, वो अपना झूलने को तैयार है, उसके गले से फंदा हटने के अगर होगा तो दूसरा भाई फांसी में लटकने के लिए तैयार है। ये देश के शहीदों के सम्मान से जुड़ा मामला है, इस मामले में किसी तरह का कोई समझौता होने को ठीक है।